कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ट्रेन है और ये देखिए सुबह सुबह मैं चली अपने घर, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है इसलिए तो अभी ट्रेन में हूँ और बस एक स्टेशन और बचा हुआ है पहुँचने के लिए। थोड़ा रील्स बना रही थी इसलिए स्टार्टिंग से शूट नहीं किया। और अभी अगर ट्रेन की साउंड आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, बट ये देखिए हम सब साथ में हैं। ये सब स्टाफ है ब्लॉक और हमारे स्कूल की सब साथ में, ये लोग डेली जाते आते हैं और मैं तो सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए आई थी तो साथ में जा रही हूँ। ये सब हमारे स्कूल की स्टाफ है। ये देखिए तो ये सारे लोग, सारे हम सब साथ जा रहे हैं। ये सब हमारे स्कूल के टीचर हैं, मतलब हम लोग सब फ्रेंड्स हैं और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए एक बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और बहुत भीड़ थी, अभी जस्ट खाली हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बोलबम वाले थे, आपको पीछे देखा, तो वो लोग सब वहाँ पर भी उतर के जल ढारेंगे इसलिए सारे उतर गए हैं। तो अभी खाली हो गया है तो थोड़ा कम है यहाँ पर भीड़ अभी। ये हमारी क्यूटी सांची है। सांची देखो इधर, सांची ये देखो, सांची उधर देखो, देखो। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। तो मिलती हूँ घर जाके आपसे, घर जाके आपसे मिलती हूँ और आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी तो गाइस ये देखो मैं घर पहुंच चुकी हूं और घर की हालत बहुत ही ख़राब है। ये देखो मैंने अपना बैग वगैरह यहां रखा है और उसके बाद ये अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप देख पा रहे हो कि इस तरह पूरे बेड पर ड्रेसेस वगैरह पड़े हैं। वो अगर जेंट्स का घर हो ना तो वो यही हालत होता है, जहाँ से जो चीज़ उठाते हैं वहीं रख देते हैं। तो ये देखो इनके ऑफिस का पूरा पेपर वगैरह, बाइक की कीज़ और ये बेड में जैसे सोया है वैसे ही सिलवटें पड़ी हुई हैं। ये शूज़ पूरे सीढ़ी के ऊपर रख दिया है इन्होंने, तो इस तरह करके पूरा घर फैला हुआ है। बट मैं पहले रेडी होकर स्कूल जाऊँगी नाश्ता बनाने के बाद और उसके बाद आके ये सारा क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी का आटा ले लिया है मैंने, इसमें अजवाइन और काला जीरा यानी मंगरेल और नमक दिया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल देके इसको अच्छे से बना लेंगे डो की तरफ। तो ये देखो डो बना लिया है, फटाफट से पूरी बनाते हैं और पूरी के साथ आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं। कल मंडे था और मेरा फास्ट था तो सुबह को मैं नहा के और चाय बिस्किट खा के आ गई हूँ पूजा करके। बस तो ये बनाती हूँ और नाश्ता करूँगी, सब लोग करेंगे यहाँ पर, ये भी करेंगे। तो 8 o'clock में मैं यहाँ पर आ गई थी, मेरा ट्रेन यहाँ आ गया था और 10 मिनट्स के आसपास घर आने वाला है। अभी 8:32 हो रहा है और मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग की है। ऊपर जो यहाँ पर कल रात को इन्होंने रोटी बनाया था तो आटा वाटा था पूरा, गैस वगैरह क्लीन करके और उसके बाद फिर मैंने देखिए पूरियाँ बनाई हैं और इधर मेरी सब्जी हो गई है, उधर मेरा चाय हो गया है। ये देखो तो ये सारा खाना बन गया है और घर की हालत तो मैं देखी बहुत ख़राब है। मैं फिलहाल ये जल्दी से ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाती हूँ, कितने दिनों से स्कूल छूटा हुआ है तो स्कूल से आने के बाद फिर घर की क्लीनिंग करूँगी। तो मैं फटाफट से नाश्ता करके स्कूल जाती हूँ और आने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आके फिर मैं आपसे बात करती हूँ इत्मीनान से। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, ये देखो मेरा पूरा भींग गई हूँ मैं और ये देखो मेरी हालत बहुत खराब है। मैं फटाफट से, वो एक्चुअली कल का फास्ट था तो अभी मुझे पारण करना है। मैं घर से ही, वहाँ से ही पूजा करके आई थी मम्मी के घर से ही और यहाँ पर बस मैंने नाश्ता बनाया है और जल्दी से हम सब नाश्ता करते हैं, वो भी ऑफिस जाएंगे और मैं भी स्कूल जाऊँगी। तो मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अभी लेट हो रही हूँ मैं, बहुत स्कूल जाके आती हूँ।
सो गाइस अभी 10 बजने वाला है लगभग और मैं स्कूल आ गई हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखो 9:45 हो रहा है, ये देखो, और मैं अभी स्कूल आ गई हूँ और नाश्ता किया है मैंने, आपको दिखाया था मैंने पूरी और सब्जी बनाया था, तो पूरी सब्जी बना के नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करके अब स्कूल आ गई हूँ कूल के साथ। और अब क्लासेस में जा रही हूँ, क्लासेस लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ किस तरह घर जा पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने छोड़ा है तो मैं स्कूटी लेके नहीं आई हूँ, तो वापस कैसे जाऊँगी देखना है। तो चलिए क्लास में जाती हूँ, आके आपसे मिलती हूँ। स्कूल से आई और उसके बाद लंच बनाया था, लंच बना के और हम सब ने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह ये नहाने के पहले चाय का, फिर नाश्ते का और फिर ये लंच, सभी का बर्तन था। ये देखिए पसीना कितना हो रखा है, और ये सारा बर्तन मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट चाय का और ब्रेकफास्ट का और लंच का सारा बर्तन था। एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैं घर से आई हूँ तो बहुत टायर्ड हूँ, तो अभी वॉश किया, अभी सो के उठने के बाद, सो ही नहीं थी, वीडियो एडिट करके अपलोड किया था, इतने दिनों से वीडियो नहीं किया था ना, इसके लिए एग्जाम्स की वजह से वीडियो नहीं किया था इतने दिनों से, तो वीडियो एडिट करके जस्ट अपलोड किया है। और उसके बाद फिर ये सारा कुछ क्लीनिंग की है और आंगन वगैरह भी साफ किया है। अब एक कप चाय पीते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेती हूँ फिर एक कप चाय पीती हूँ। चाय बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कर दिया है मैंने, और यहाँ यूटेंसिल्स वॉश करने की वजह से जो मैंने बर्तन धुला था ना, तो बहुत सारे होने की वजह से ना बहुत सारा पानी गिर गया है, ये देखो कितना गंदा हो गया है। और मैंने ना यहाँ का जो मैट था वो बहुत गंदा हो रखा था, मैं यहाँ 3-4 दिनों से नहीं थी, तो मैंने इसका मैट वॉश किया है, तो मैं अभी यहाँ पर एक हल्का सा पोछा लगा देती हूँ और दूसरा मैट यहाँ पर रखती हूँ फटाफट से। अभी मैंने पोछा करके और
फेस वॉश कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा वेदर हो रखा है। शाम हो गया है अभी पूरा, कितना बज रहा है, लगभग 6 o'clock, 6:12 हो रहा है। और अभी मेरी आवाज़ बहुत फंस गई है। एक्चुअली मंडे को ना मैंने जो फास्ट रखा था उसकी वजह से, फास्ट उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था, तो फास्ट और साथ में एग्ज़ाम देने गई थी और वापस आके मैंने बहुत सारा पानी और लस्सी पी लिया था और ठंडा ठंडा, तो इस वजह से मेरा जो गला है ना वो थोड़ा सा फंस गया है और थोड़ा सा अजीब टाइप का वॉइस निकल रहा है। यहाँ पर खराश हो रखी है और नोज़ के अंदर खुजली हो रही है। तो अभी मेरा चाय पक रहा है, जब तक चाय पकेगा तब तक मेरा जो पोचा है वो सूख जाएगा। और इधर अंधेरा हो रखा है, मैं लाइट जला देती हूँ। तो शाम हो गई है काफ़ी ना, तो सभी जगह लाइट जला दी है मैंने। और ये देखो अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक और काम बचा हुआ है, ये देखो। तो गाइस मैं ना रेडी होने के बाद ड्रेसेस वगैरह वॉश नहीं कर पा रही थी। एक ड्रेस मैंने उस दिन, जिस दिन मैं घर से वापस आ रही थी उस दिन सुबह भी मैंने एक ड्रेस पहना था और आते समय मैंने दूसरा ड्रेस पहन लिया, तो उस वजह से मेरा जो मतलब रात से पहन के सोया हुआ था वो तो वॉश नहीं हुआ। सुबह सुबह ट्रेन पकड़ लिया था ना, तो दूसरा एक और पहन लिया, तो 2-3 ड्रेसेस हो गए थे धोने के लिए, मेरे भी, तू के भी, तो बहुत सारे। और जाने से पहले मैं जो कपड़े छत पर धो के आई थी ना वो सारा इन्होंने उठाकर यहाँ पर बेड पर ही रखा था। तो ये देखो पूरा इस तरह करके फैला हुआ है। और आज गुरु ने पढ़ाई की है, तो ये देखो पूरा ABCD वगैरह लगाया है यहाँ पर, नंबर से ABCD 1, 2, 3, 4। तो ये ड्रेसेस वगैरह को अंदर अलमीरा में डालना है। और अभी मैंने पूरे आंगन की को झाड़ू दे के साफ किया है, ये देखो पूरा आंगन क्लीन है। और ना ये पेड़ कटने की वजह से, जब ये पेड़ कट रहा था उस टाइम पर मेरा एग्ज़ाम था ना, तो मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर पा रही थी, तो पेड़ कटने की वजह से पूरे रास्ते में गिरा हुआ था जो पत्ता वगैरह था। ये देखो पीछे कितना अच्छे से मैंने क्लीन किया है। ये इस साइड वाले वो जो जिन्होंने काटा है ना वो सब हटा के लेके जाएंगे। तो आज मैंने देखो यहाँ से इस वाले रास्ते को वहाँ तक जहाँ वो पेड़ कटा है ना वहाँ तक जो लकड़ियाँ गई हुई है ना वहाँ तक मैंने आज क्लीन किया है। और उसके आगे उधर पर बहुत सारी गंदगी अभी और भी है। आपको कभी मैंने मेरे घर के पीछे का साइड नहीं दिखाया है, तो कभी मैं ले जाऊँगी उधर दिखाने के लिए, बट मैंने वहाँ तक क्लीनिंग की है, वो जो पेड़ की लकड़ी कट के रखी हुई है ना, ये देखो ये वाला, तो वहाँ तक मैंने अभी क्लीनिंग की है। सो फ्रेंड्स अभी सारा काम शाम का ख़त्म हो गया है। अभी पूह उठेगी तो उसको नाश्ता कराना बचा हुआ है, मतलब वो ना थोड़ा लेट सो, बाहर गाना बजने लगा तो मैं अभी बात नहीं कर सकती वरना कॉपीराइट आता है। मंदिर में बाजा बज रहा है, फिलहाल मैं चाय पीती हूँ, ये देखो एक कप थी। पसीने से तरबतर हो गई हूँ, अभी फ़ैन के नीचे बैठी हूँ, सारा इधर क्लीनिंग वगैरह करके और चाय वगैरह, किचन वगैरह साफ करके और घर वगैरह साफ करके चाय लेके बैठी हूँ। अब संजा बाती का टाइम हो गया है, जाऊँगी संजा देने चाय पीने के बाद, तो थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये जो गाना है वो बंद होगा उसके बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।